अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यकीन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम वेब डेवलपमेंट के अंदर जो टॉपिक गो थ्रू कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द कर्सल। हमारे पास बहुत सारी टाइप हैं कर्सल की, जिनको आज के लेक्चर में हम वन बाई वन गो थ्रू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मैंने यहाँ पर एक पिक्चर आपके सामने ऐड की हुई है और मैंने इसकी सीसेस प्रॉपर्टी भी ऐड की हुई है। अब यहाँ पर हम कुछ कर्सल की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे पास कर्सल डिफ़ॉल्ट है, जो बाय डिफ़ॉल्ट कर्सल आपका रहेगा वो ये वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं कर्सल को मूव पे लगती हूँ तो मेरे पास मूव आइकन बन जाएगा नाउ दिस वे, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं कर्सल की प्रॉपर्टी को टैक्स पे रखती हूँ तो सिंपल ये प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगी नाउ दिस वे, यू सी द कर्सल, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं कर्सल को पॉइंटर पे या वेट पे रखती हूँ तो ये वेट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा, तो कर्सल मेरा वेट में चेंज हो जाएगा। नाउ यू कैन सी इजीली टेकिंग, अक्सर कर्सल वेबसाइट्स पर डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंट इसी वजह से हुए हुए होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी हमारे पास हेल्प, सो कर्सल मेरा हेल्प में कन्वर्ट हो जाएगा नाउ यू कैन सी इजीली। इसी के साथ कॉल रिसाइज में तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर। यू कैन सी द कॉल रिसाइज। इसी के साथ साथ पॉइंटर है हमारे पास, नेक्स्ट कर्सल इज द पॉइंटर कर्सल। सो पॉइंटर की प्रॉपर्टी कुछ ऐसे है, ठीक है, हैंड। इसी के साथ साथ अगर मैं जूम इन इम्प्लीमेंट करती हूँ तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी आएगी इस लुक लाइक दैट। सो आई होप ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कर्सल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर आप इन कर्सल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।